23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा, तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़कर के भाग जाएंगे। आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है, आज भी दीदी तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्योंकि आपने विश्वासघात किया है। आप लोग कभी सुनते थे कोयला घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला, कभी राशन घोटाला, यहां तक कि धरती के भीतर से जो खनिज निकलते हैं उनमें भी ये लोग घोटाला कर जाते थे। अब ये सारे घोटाले आपके इस चौकीदार ने ताले लगा दिए हैं। पर भी गया, एक ही नारा मैंने सुना, मोदी 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 मोदी। जिस मिट्टी पर रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, जिस मिट्टी पर स्वामी विवेकानंद पैदा हुए, चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए, जगदीश चंद्र बोस हुए, नेताजी सुभाष बाबू हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष, अनगिनत महापुरुष, अनगिनत क्रांतिकारी, जिनकी चरण रज इस बंगाल की मिट्टी पर पड़ी है, जिन महापुरुषों के पैरों की धूल, इन महापुरुषों के पैरों की धूल बंगाल की माटी, भाई बहनों, वो माटी, उसका रसगुल्ला मोदी को मिलेगा, ये तो मोदी के लिए प्रसाद होगा। देश के दुर्दांत तो आतंकवादी मार गिराए जा रहे थे सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा, तब ये रात भर आंसू बहा रहे थे। देश की गरीबों के लिए आंसू नहीं बहता इनके आंखों में, देश के किसानों की पीड़ा को लेकर के आंसू नहीं बहता इनके आंखों में, देश के अंदर नौजवानों को रोजगार मिले, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन और सम्मानजनक जीवन यापन करने की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए कभी भी कांग्रेस के स्थायी परिवार के आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन इनके आंखों में आंसू कब आए, जब हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने द्वारा बटाला हाउस कांड की घटना में आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है।